हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं दीपक मंगल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन का लेक्चर नंबर 9, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन्स फ्रॉम अल्किन्स पार्ट 3। पिछला जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 8 के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स टू अल्किन। मतलब अल्किन के अंदर हाइड्रोजन हैलाइड्स का हमने एडिशन किया था और उससे किसका फॉर्मेशन किया था हमने, हेलो अल्केन्स का, जिसके अंदर हमने मार्कोनिकोफ रूल वगैरह डिस्कस किया था। उसके अलावा ऐसे कुछ एग्जांपल लिए थे जहां पे मार्कोनिकोफ रूल से आप एडिशन नहीं कर सकते हो। मतलब मार्कोनिकोफ रूल को अपन एक कम्प्लीट सक्सेसफुल रूल नहीं बोल सकते, क्योंकि मार्कोनिकोफ का जो रूल है ना, वो हर जगह पे काम नहीं आता। तो आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी ना, बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स टू अल्किन्स, उसके अंदर आपको मार्कोनिकोफ के रूल का कंसेप्ट याद ही नहीं रखना। मान के चलो कि एक साइड कंसेप्ट के हिसाब से आप याद रखोगे उसे। कंसेप्ट है वहां पे कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी का, ठीक है। कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी का कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट होना चाहिए और उसी के हिसाब से आप उसे सॉल्व करना सीखोगे। आगे बात समझ में, ठीक है। तो पिछला जो लेक्चर था, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को मार्कोनिकोफ रूल समझाया था, जिसके अंदर हम लोगों ने हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करना सीखा था किसके ऊपर, अल्किन्स के ऊपर। अब आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो एंटी मार्कोनिकोफ रूल, है ना, एंटी मार्कोनिकोफ रूल, और देन उसके बाद हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ हेलोजन टू अल्किन्स, ठीक है। तो यहां पर अपन टॉपिक चालू कर रहे हैं, देखना अच्छे से। Addition of HBr to alkenes in presence of peroxide, ठीक है। एडिशन ऑफ HBr टू अल्किन्स इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इसका मतलब क्या है कि यहां पे अपन अल्किन्स के अंदर HBr का एडिशन करेंगे, जैसा कि हमने पहले भी किया था, लेकिन अब अपन यहां पे HBr का एडिशन किसकी प्रेजेंस में करेंगे, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करेंगे। जब आप HBr का एडिशन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करोगे तो यहां पे क्या इफेक्ट होगा, उसका मैकेनिज्म किस तरह से चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट किस तरह से चेंज हो जाएगा, वो हमें यहां पे देखना है। आगे बात समझ में। और इसी के अंदर एंटी मार्कोनिकोफ का रूल भी अप्लाई होता है, मतलब एंटी मार्कोनिकोफ का जो कंसेप्ट है वो भी हम इसी के अंदर सीखेंगे, ठीक है। बच्चों, एक बात ध्यान रखना कि परोक्साइड की प्रेजेंस में हम जो एडिशन करेंगे, ये हम केवल और केवल HBr के लिए ही करेंगे, है ना। जब आप HBr का एडिशन करते हो परोक्साइड की प्रेजेंस में, तो ही उसका डिफरेंट इफेक्ट होता है। एंड अगर आप HCl या HI इनका एडिशन करोगे परोक्साइड की प्रेजेंस में, तो उसका कोई भी डिफरेंट इफेक्ट नहीं रहेगा। मतलब जो हमने पहले सीखा है हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन अल्किन के अंदर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल वगैरह, वो का वही सेम पैटर्न वहां पे चलेगा। ये बात आप अच्छे से दिमाग में बिठा लेना कि यहाँ पे अल्किन के अंदर HBr का एडिशन करेंगे जब हम परोक्साइड की प्रेजेंस में, तो ही यहाँ पे डिफरेंट रिजल्ट आपको मिलेंगे। अगर आप परोक्साइड की प्रेजेंस में HCl या HI का एडिशन करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो रिजल्ट है वो आपको पहले वाले ही ऑब्टेंड होंगे, जो कि हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 8 में सीख के आ चुके हैं। अब ये मैंने क्या बोला, ये मैं आपको सभी समझा रहा हूं यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। तो हम यहाँ पे टॉपिक लेके चल रहे हैं एडिशन ऑफ HBr टू अल्किन्स इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, ठीक है, परोक्साइड की प्रेजेंस में। तो देखना बच्चों, यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं CH3 CH double bond CH2 इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, है ना, CH3 CH double bond CH2, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड। अब परोक्साइड को आप चाहो तो H2O2 हाइड्रोजन परोक्साइड लिख दो, या फिर अगर आप चाहो तो जनरल कोई दूसरा परोक्साइड भी यहां पे हो सकता है, तो अपन ने उसको क्या लिख दिया, R2O2। R का मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ पे R का मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे CH3 होल्ड ट्वाइस O2 भी आ सकता है, C2H5 होल्ड ट्वाइस O2 भी आ सकता है।
तो वो अपनी इच्छा है, ठीक है ना। वो आपको पेपर में देके रखेंगे जो भी है। आपको तो अच्छे से ये ध्यान रखना है कि ये परोक्साइड होते हैं, ठीक है ना। परोक्साइड का मतलब क्या होता है? तो परोक्साइड का मतलब आप अच्छे से ये ध्यान रखना कि ये होता है परोक्साइड, जिसमें दो ऑक्सीजन बॉन्ड, दो ऑक्सीजन एटम एक दूसरे से डायरेक्टली अटैच होते हैं। इसे परोक्साइड लिंकेज कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे O2 वाली कंडीशन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है और इसे क्या कहा जाता है? परोक्साइड लिंकेज। देन इसके एक आर इस तरफ और एक आर इस तरफ, ठीक है। तो ये परोक्साइड है, आगेगा बात समझ में। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, सुनना अच्छे से। यहाँ पे अपन जब HBr का एडिशन करेंगे अल्कीन की, अल्कीन के अंदर किसकी प्रेजेंस में? परोक्साइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा, वो हमें यहाँ पे सीखना है, ठीक है बच्चों, है ना। तो ये रिएक्शन हमें यहाँ पे अच्छे से कंप्लीट करनी है। अब आगे बात समझ में। तो अब सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे अपन इसको, इसका समझेंगे मैकेनिज्म। यहाँ पे मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझाऊंगा। मैकेनिज्म के हिसाब से आप पूरा का पूरा इसे अच्छे से समझना, फिर अपन इसमें आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म क्या रहेगा देखना अच्छे से, ढंग से सुनना इसका मैकेनिज्म। आपको ये मैकेनिज्म अच्छे से याद होना चाहिए, फिर आपको क्लियर पता चल जाएगा कि यहाँ पे जब आप HBr का एडिशन परोक्साइड की प्रेजेंस में करते हो तो वो कैसे डिफर करता है ना। मैकेनिज्म कर रहे हैं अपन इसका। तो मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले आती है स्टेप फर्स्ट, ठीक है। स्टेप फर्स्ट क्या होती है? स्टेप फर्स्ट, तो स्टेप फर्स्ट क्या है यहाँ पे बच्चों? यहाँ पे जो पहली स्टेप जो होती है ना, पहली स्टेप किसके ऊपर होती है? यहाँ पे ये जो आप परोक्साइड यहाँ पे यूज में ले रहे हो, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो परोक्साइड है R2O2, अगर मैं इसे खोल के लिखूं तो कैसे लिखूंगा मैं इसे? इस तरह से। इसके अंदर ये वाला जो लिंकेज होता है, इस लिंकेज को अपन क्या बोलते हैं? परोक्साइड लिंकेज, ठीक है ना, परोक्साइड लिंकेज। और ये जो परोक्साइड लिंकेज है, इसके अंदर दोनों ऑक्सीजन एटम जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम ये रिएक्शन परोक्साइड की प्रेजेंस में करवाते हैं, जब हम ये रिएक्शन परोक्साइड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रेकडाउन ही परोक्साइड का होता है, ठीक है। यहाँ पे जब आप रिएक्शन परोक्साइड की प्रेजेंस में करवाओगे तो सबसे पहला जो ब्रेकडाउन होगा वो किसका होगा? परोक्साइड का होगा। और ये जो परोक्साइड है, इस परोक्साइड लिंकेज के अंदर दोनों के दोनों ऑक्सीजन एटम है। अब अगर यह दोनों के दोनों ऑक्सीजन एटम है तो यहाँ पे कौन सा ब्रेकडाउन होगा? इक्विवेलेंट ब्रेकडाउन। इक्विवेलेंट ब्रेकडाउन का मतलब होमोलाइटिक ब्रेकडाउन, ठीक है। और होमोलाइटिक ब्रेकडाउन से हमेशा बनती क्या है? फ्री रेडिकल स्पीसीज, ठीक है। ये वाली बात आप अच्छे से याद रखना। यहाँ पे क्या होगा, जो सबसे पहला ब्रेकडाउन होगा वो परोक्साइड का ही होगा। परोक्साइड के अंदर ये परोक्साइड लिंकेज होता है जिसमें दोनों के दोनों क्या होते हैं? ऑक्सीजन एटम होते हैं, मतलब सेम एटम होते हैं। तो यहाँ पे जो ब्रेकडाउन होता है इनका, वो इक्विवेलेंट ब्रेकडाउन होता है, मतलब होमोलाइटिक ब्रेकडाउन होता है। और आपको मैं पहले सिखा चुका हूं कि जो होमोलाइटिक ब्रेकडाउन होता है, होमोलाइटिक ब्रेकडाउन के बाद कौन सी स्पीसीज तैयार होती है, तो ध्यान रखना फ्री रेडिकल स्पीसीज। तो देखना यहाँ पे आप अच्छे से, स्टेप नंबर वन क्या होगी? स्टेप नंबर वन, तो होमोलाइटिक, होमोलाइटिक ब्रेकडाउन, होमोलाइटिक ब्रेकडाउन ऑफ, होमोलाइटिक ब्रेकडाउन ऑफ परोक्साइड, होमोलाइटिक ब्रेकडाउन ऑफ परोक्साइड। जो परोक्साइड होगा उसका होमोलाइटिक ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। तो यहां पे ये परोक्साइड लिखा अपन ने, ठीक है ना। अब यहां पे इसका क्या हो जाएगा? होमोलाइटिक ब्रेकडाउन। यहां पे ये रिएक्शन, मान लो आप इस रिएक्शन के अंदर हीट दे रहे हो, कोई ना कोई एनर्जी आपको देनी पड़ेगी यहां पे शुरुआत में, क्योंकि आपको ये बॉन्ड तोड़ना है यहां पे, ठीक है। तो यहां पे इसका क्या हो जाएगा? होमोलाइटिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। अब होमोलाइटिक ब्रेकडाउन आप करो इसका, ठीक है। तो ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, ठीक है। तो आप जब इसका होमोलाइटिक ब्रेकडाउन करोगे तो होमोलाइटिक ब्रेकडाउन करने के बाद आपके पास क्या तैयार हो जाएगी? दो आरओ फ्री रेडिकल, है ना। यहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या तैयार हो जाएंगे? दो आरओ फ्री रेडिकल, है ना। और ये स्टेप कौन से स्टेप है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ी है, तो इसके लिए डेल्टा एच का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। हो गई बात क्लियर, ठीक है। तो ये पहले स्टेप आप लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए, सबसे मेन तो, कि यहाँ पे जो परोक्साइड आप यूज में लेते हो उस परोक्साइड का क्या होता है? होमोलाइटिक ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। अब स्टेप नंबर टू में क्या होगा ये सुनना आप अच्छे से।
ठीक है ना। अब स्टेप नंबर टू के अंदर क्या होता है, तो बच्चों स्टेप नंबर टू के अंदर क्या होता है कि ये जो परोक्साइड फ्री रेडिकल जो तैयार होता है आपके पास, ठीक है ना, आरओ फ्री रेडिकल, ये आरओ फ्री रेडिकल किसका ब्रेक डाउन करेगा, एचबीआर का, ठीक है। ये जो आरओ फ्री रेडिकल है ये किसका ब्रेक डाउन करेगा, एचबीआर का ब्रेक डाउन करेगा। तो देखना यहां पे आरओ फ्री रेडिकल, ठीक है, ये किसका ब्रेक डाउन करेगा, एचबीआर का ब्रेक डाउन करेगा। अब आपको पता है कि एचबीआर जो होता है इसकी लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, ये कंसेप्ट अच्छे से सीख लेना, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा यहां पे आगे कि HCl और HI ये रिएक्शन क्यों परफॉर्म नहीं करवा पाते, तो उसका कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, तो वहां पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। तो आप अच्छे से सुनना, यहां पे HBr है, HBr की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। HBr जो होता है, HBr की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। अब यार अगर इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी तो बॉन्ड भी आसानी से टूट जाएगा, है ना, सही बात है, तो बॉन्ड भी आसानी से टूट जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, सुनना अच्छे से, ये जो आरओ फ्री रेडिकल है ये इसके बॉन्ड को आसानी से क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है ना। ये ध्यान रखना, अगर मैं यहां पे ओ और बीआर की बात करूं तो ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है बीआर के कंपेयर में, तो ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होने की वजह से फिलहाल ओ अनस्टेबल है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ओ यहां पे खुद को स्टेबल बनाने के लिए काफी आसानी से ये बॉन्ड तोड़ देगा। आगे बात समझ में, तो ये ध्यान रखना अच्छे से। तो यहां पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आर ओ एच एंड बी आर फ्री रेडिकल, मतलब ब्रोमाइन फ्री रेडिकल, ठीक है, ब्रोमाइन फ्री रेडिकल, और ये है आपका यहां पे सबसे मेन अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है बच्चों, ये यहां पे अटैकिंग रिएजेंट रहेगा, ब्रोमाइन फ्री रेडिकल। अब क्या होगा, सुनना अच्छे से, ये जो ब्रोमाइन फ्री रेडिकल होगा, ये ब्रोमाइन फ्री रेडिकल यहां पे अल्किन के साथ रिएक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। ये जो ब्रोमाइन फ्री रेडिकल है यहां पे, ये अल्किन के साथ क्या परफॉर्म करेगा, रिएक्शन। अब ये रिएक्शन कैसे होगी वो मैं अभी आपको बताता हूं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो बच्चों ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है, एक बार और सुन लो आप इसकी बात। यहां पे अपन ने देखो क्या क्या करा, यहां पे आपको HBr का एडिशन करना है अल्किन के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड। तो यहां पे देखो होगा क्या, जब आप इसका मैकेनिज्म देखोगे तो मैकेनिज्म के अंदर आपकी पहली स्टेप क्या रहेगी, तो आपकी पहली स्टेप मैकेनिज्म में रहेगी होमोलाइटिक ब्रेकडाउन ऑफ परोक्साइड, मतलब ये जो परोक्साइड आप यहां पे यूज में लोगे, इस परोक्साइड का क्या होगा, यहां पे होमोलाइटिक ब्रेकडाउन होगा, और इस परोक्साइड का जब होमोलाइटिक ब्रेकडाउन होगा तो फ्री रेडिकल स्पीसीज बन जाएगी, आरओ फ्री रेडिकल, ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो आरओ फ्री रेडिकल जो होगा, ये आरओ फ्री रेडिकल यहाँ पे किसको ब्रेक करेगा, एचबीआर को आसानी से ब्रेक कर देगा, क्यों, क्योंकि एचबीआर की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। एचबीआर की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है काफी कम होती है, मतलब बॉन्ड वीक होता है, तो आरओ फ्री रेडिकल उसे आसानी से क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, ठीक है, और क्या बना देगा, आरओ एच एंड बीआर फ्री रेडिकल, क्लियर है। अब ये जो बीआर फ्री रेडिकल है ये यहाँ पे अपना अटैकिंग रिएजेंट है, जो कि किसके ऊपर अटैक करेगा, अल्किन के ऊपर अटैक करेगा, हो गई बात क्लियर, ठीक है। चलिए अब यहां पे अपन देखते हैं ये अल्किन के ऊपर कैसे अटैक करता है, ठीक है ना, देखना अच्छे से। हाँ जी, तो देखना ये अल्किन के ऊपर कैसे अटैक करेगा, तो ये हमने लिया बच्चों अल्किन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर आपको बीआर फ्री रेडिकल जोड़ना है, ठीक है। अब देखना यहां पे ये फ्री रेडिकल है, तो ये फ्री रेडिकल है तो अब अल्किन को भी आपको किसमें ब्रेक करना पड़ेगा, फ्री रेडिकल में ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे मैंने आपको बताया था कार्बोकेटायन कार्बोनायन मैकेनिज्म तो कभी फॉलो हो नहीं सकता, क्योंकि यहां पे ये फ्री रेडिकल बन चुका है, तो यहां पे ये जो अल्किन होगा ये भी किसमें चेंज होगा, अब एक फ्री रेडिकल में, ठीक है। तो यहां पे इस बार ये जो पाई बॉन्ड है ना,
आप इसका भी कौन सा ब्रेकडाउन करोगे, इक्विवेलेंट ब्रेकडाउन, मतलब फ्री रेडिकल वाला ब्रेकडाउन। ठीक है, अब देखो यहां पे CH3 CH, यहां पे पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है ना, ढंग से सुनना। यहां पे आपने इसका ब्रेकडाउन कर दिया, अब यहां पे इसका ब्रेकडाउन करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाएगा, ठीक है ना। यहां पे 2 लगा देता हूं। हाँ, तो यहां पे जब आप इसका होमोलाइटी ब्रेकडाउन करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका इस पे चला जाएगा, तो यहां पे कंडीशन क्या बनेगी, यह कंडीशन बनेगी। ठीक है, यहां पे कंडीशन क्या बन जाएगी, यह कंडीशन बन जाएगी। अब यहां पे 2 पॉसिबिलिटी है, वो मैं आपको बता रहा हूं, सुनना अच्छे से। यहां पे अपन ने इसका होमोलाइटिक ब्रेकडाउन किया तो इसका इलेक्ट्रॉन इस पे और इसका इलेक्ट्रॉन इस पे, तो मैंने ऐसे शो कर दिया। ठीक है, अब सुनो, यहां पे ये जो बीआर फ्री रेडिकल है, इस बीआर फ्री रेडिकल के सामने यहां पे 2 ऑप्शन है। कौन कौन से ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन तो है उसके पास प्राइमरी कार्बन का और एक ऑप्शन है उसके पास सेकेंडरी कार्बन का। मतलब यहां पे ये जो आपने अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिया है ना, अल्कीन अपन ने कौन सा लिया है, अनसिमेट्रिकल, मतलब यहां पे कार्बन जो है वो जो डबल बॉन्ड जो है वो 2 कार्बन के बीच में है, जिसपे अलग अलग हाइड्रोजन की संख्या है, अलग अलग डिग्री के कार्बन है। ठीक है, तो यहां पे आप सुनो अच्छे से, यहां पे बीआर के पास 2 चॉइस है, प्राइमरी कार्बन और सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, या तो वो प्राइमरी कार्बन से जाके अटैच होगा या तो वो सेकेंडरी कार्बन से जाके अटैच होगा। तो सुनो, एक बार तो मैं उसे प्राइमरी कार्बन से जाके जोड़ देता हूं, ये है प्राइमरी कार्बन, तो मैंने यहां से ये हटाया और क्या लगा दिया इसमें, बीआर। आगे बात समझ में, ठीक है, एक बार मैंने उसे सेकेंडरी कार्बन से जोड़ा, तो मैंने इस बार कौन से कार्बन से जोड़ा उसे, सेकेंडरी कार्बन से, तो सेकेंडरी ये वाला है बीच का, ठीक है ना, ये सेकेंडरी है, तो यहां पे हटाओ और यहां पे क्या लगा दिया मैंने, बीआर। हो गई बच्चों बात क्लियर। ठीक है, मैंने यहां पे क्या किया, ये जो बीआर फ्री रेडिकल था, इस बीआर फ्री रेडिकल को मुझे इस अल्कीन में जोड़ना था, तो यहां पे 2 पॉसिबिलिटी थी मेरे सामने, क्योंकि मैंने यहां पे अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिया है, तो यहां पे मेरे सामने 2 पॉसिबिलिटी है। ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसमें से एक तो है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी, तो मैं बीआर को किस पे जोड़ू, तो मैंने दोनों पे एक एक बार जोड़ के बताया आपको। यहां पे तो मैंने जोड़ा प्राइमरी पे, यहां पे मैंने जोड़ा सेकेंडरी पे। अब देखो अच्छे से, बीआर को यहां पे जोड़ने के बाद अभी भी एक फ्री रेडिकल बचा हुआ है। ठीक है, बीआर को यहां पे जोड़ने के बाद अभी भी एक फ्री रेडिकल बचा हुआ है। कौन सा फ्री रेडिकल है, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी कार्बन है और ये कौन सा है, प्राइमरी कार्बन। तो ये कौन सा फ्री रेडिकल है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल। ठीक है, ये कौन सा फ्री रेडिकल है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, और ये कौन सा फ्री रेडिकल है, प्राइमरी फ्री रेडिकल। ठीक है, ये तो है सेकेंडरी फ्री रेडिकल और ये कौन सा है, प्राइमरी फ्री रेडिकल। अब एक बात ध्यान रखना, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, तो याद रखना, टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। मतलब टर्शियरी फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और प्राइमरी फ्री रेडिकल सबसे कम स्टेबल होता है। तो यहां पे ये तो है सेकेंडरी फ्री रेडिकल और ये है प्राइमरी फ्री रेडिकल, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, सेकेंडरी। ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल, और ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। हो गई बात क्लियर। ठीक है, यहां पे सेकेंडरी फ्री रेडिकल बना और यहां पे कौन सा फ्री रेडिकल बना, प्राइमरी फ्री रेडिकल। तो यहां पे सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा और प्राइमरी फ्री रेडिकल क्या होगा, कम स्टेबल होगा। अब सुनो लास्ट बात, मैंने आपको यहां पे बताया था कि जो ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल होता है वही ज्यादा मेजर क्वांटिटी में बनता है, क्योंकि हर चीज स्टेबल होना चाहती है। ठीक है, अब अगर हर चीज स्टेबल होना चाहती है तो सिस्टम जो होगा वो ज्यादा स्टेबल बनने की कोशिश करेगा ना। ठीक है, तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो भी ज्यादा स्टेबल वाले ही बनेंगे, मतलब जो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट हो। तो मेजर प्रोडक्ट आपका इस बार कौन सा रहेगा, ये ऊपर वाला। ठीक है, और ये जो नीचे वाला जो है जिसमें बीआर बीच में जुड़ा हुआ है, ये आपका माइनर प्रोडक्ट रहेगा। अब देखना, अभी ये फ्री रेडिकल बचे हुए हैं तो यहां पे एक स्टेप और होगी, सुनना अच्छे से। अब देखो, यहां पे आपके पास 2 तरह के फ्री रेडिकल है, CH3 CH एंड CH2 BR प्लस HBR। ये तो है आपका सेकेंडरी फ्री रेडिकल 2 डिग्री,
ठीक है, जो कि ज्यादा स्टेबल है। ठीक है बच्चों, और इसके नीचे है आपके पास CH3, CHBr एंड CH2 फ्री रेडिकल। ये कौन सा है? प्राइमरी, और ये है लेस स्टेबल। हो गई बात क्लियर? अब लास्ट स्टेप है यहां पे, ये जो लास्ट रिएक्शन होगी इसमें क्या होगा कि ये जो फ्री रेडिकल होंगे, ये फ्री रेडिकल फर्दर HBr को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे, जिससे कि वापस Br फ्री रेडिकल बनेगा और ये साइकिल में आ जाएगी। ठीक है, ये वाली बात अच्छे से ध्यान रखना। यहां पे क्या होगा सुनना, जैसे अपन ने पिछले स्टेप में Br फ्री रेडिकल अटैकिंग रिएजेंट को तैयार किया था, तो यहां पे क्या होता है सुनना अच्छे से, ये फ्री रेडिकल अभी भी बचे हुए हैं, तो ये फर्दर यहां पे HBr का क्या करेंगे? एडिशन करेंगे, सॉरी फर्दर यहां पे HBr का ब्रेकडाउन करेंगे किसके अंदर? फ्री रेडिकल के अंदर। तो देखो यहां पे जब आप HBr का ब्रेकडाउन करोगे तो यहां पे कौन कौन से फ्री रेडिकल बनेंगे? तो एक तो बनेगा H और एक बनेगा Br, ठीक है ना। यहां पे बनेगा एक तो H फ्री रेडिकल और एक बनेगा Br फ्री रेडिकल। अब एक बात बताओ कि यहां पे कौन सा जुड़ेगा? यहां पे वो फ्री रेडिकल जुड़ेगा जिसकी मोबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। मोबिलिटी का मतलब जो तेजी से मूवमेंट परफॉर्म करके जा सकता है, या फिर आप बोल सकते हो जो कि खुद को ज्यादा तेजी से स्टेबल बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि दोनों अनस्टेबल है, तो कौन ज्यादा तेजी से खुद को स्टेबल बनाएगा? H। क्यों बच्चों? H छोटा है, उसकी मोबिलिटी फास्ट होगी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है कंपेरेटिवली, मतलब वो ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? गेन कर सकता है, ज्यादा तेजी से स्टेबल हो सकता है। तो यहां पे इसके ऊपर आके कौन जुड़ेगा? H जुड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3 CH2 CH2 Br, और यहां पे आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3 CHBr एंड CH3। ठीक है, अब इस बार मेजर कौन सा रहेगा और माइनर कौन सा रहेगा? तो देखो इधर, क्योंकि ये यहां पे मोर स्टेबल था सेकेंडरी फ्री रेडिकल, तो यहां पे मेजर क्या रहेगा इस बार? ये। ठीक है, और यहां पे माइनर क्या रहेगा? ये। हो गई बात क्लियर? ठीक है, एक बार और सुन लो फटाफट। यहां पे आपको ये वाले स्टेप अच्छे से याद रखनी है। मैंने यहां पे ये जो अल्कीन था, उस अल्कीन का ब्रेकडाउन किया था किससे? ब्रोमाइन फ्री रेडिकल से। सुनो यहां पे, अल्कीन के अंदर ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, यहां पे ब्रोमाइन फ्री रेडिकल अटैकिंग रिएजेंट था, तो यहां पे होमोलाइटिक ब्रेकडाउन हो रहा है, पक्का है वो, है ना? होमोलाइटिक ब्रेकडाउन होना है, तो इसका इलेक्ट्रॉन इस पे, इसका इलेक्ट्रॉन इस पे, तो ये मैंने पाई बॉन्ड का होमोलाइटिक ब्रेकडाउन किया, और पाई बॉन्ड का होमोलाइटिक ब्रेकडाउन करने के बाद मेरे सामने यहां पे Br को जोड़ने के लिए दो पॉसिबिलिटी थी, या तो मैं उसे प्राइमरी कार्बन पे जोड़ता या तो सेकेंडरी पे जोड़ता। एक बार मैंने प्राइमरी पे जोड़ा, एक बार मैंने सेकेंडरी पे जोड़ा, है ना? अब सुनो, एक बार आपने प्राइमरी पे जोड़ दिया, एक बार आपने सेकेंडरी पे जोड़ दिया, जोड़ने के बाद अभी भी एक फ्री रेडिकल बचा हुआ है, और वो फ्री रेडिकल आपको उसका डिग्री देखना है, तो यह है सेकेंडरी और यह है प्राइमरी। अब जो फ्री रेडिकल बचे हुए हैं वही फाइनली रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, तो ये तो प्राइमरी है और यह है सेकेंडरी, सॉरी ये ऊपर सेकेंडरी है, यह है प्राइमरी। अब ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा होता है? सेकेंडरी। तो ये तो बनेगा, ये तो ज्यादा स्टेबल रहेगा, सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है, प्राइमरी कम स्टेबल होता है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, है ना? अब ये दोनों फ्री रेडिकल वापस किसके साथ रिएक्शन परफॉर्म करेंगे? HBr के साथ, और अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे। अब फाइनल प्रोडक्ट में कौन मेजर रहेगा? जो ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पे सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल था, तो मेजर इस बार वो बनाएगा। ठीक है, मतलब इस बार मेजर प्रोडक्ट वो बनेगा जिसमें Br कौन से डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन थे, एंटी मार्कोनिकोफ। तो वो मैं अब आपको समझाने वाला हूं, फाइनली एंटी मार्कोनिकोफ रूल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो बच्चों, ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो ये वाली बात आ गई होगी आप लोगों को समझ में अच्छे से। यहां पे सबसे मेन बात जो आपको नोट करनी है, वो क्या नोट करनी है? देखो इधर, यहां पे अपन ने अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिया है, ठीक है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें आप HBr का एडिशन करोगे। अगर यहां पे परोक्साइड नहीं होता, तो फिर हम यहां पे कौन सा रूल लगाते हैं? मार्कोनिकोफ रूल। क्या बोलता है मार्कोनिकोफ रूल? कि जो HBr होगा ये H प्लस और Br माइनस में टूटेगा, और जो Br माइनस है नेगेटिव पार्ट, वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाके जुड़ेगा जिसपे क्या रहेंगे? कम हाइड्रोजन रहेंगे। लेकिन जब आपने यहां पे परोक्साइड लगा दिया, तो परोक्साइड लगाने के बाद यहां पे क्या हुआ? सबसे मेन बात अच्छे से सुनना,
यहाँ पे परोक्साइड लगाने के बाद ये हुआ कि यहाँ पे इस बार जो बीआर है वो बीआर लेस कार लेस अपने बीआर ऐसे कार्बन पे नहीं गया जिसपे कम हाइड्रोजन थे, यहाँ पे बीआर ऐसे कार्बन पे गया जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन थे। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये है इस बार मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जब परोक्साइड आप लगा देते हो तो परोक्साइड लगाने के बाद यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बना वो दूसरा वाला बना। दूसरा वाला कौन सा, जिसमें बीआर कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन थे। तो इस कंडीशन को कहा गया है एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, खराश इफेक्ट या तो फिर परोक्साइड इफेक्ट। आगे बात समझ में, ठीक है। देखो यहाँ पे अच्छा, इसमें मैकेनिज्म में जो पहले स्टेप थी वो तो एंडोथर्मिक की थी और बाद वाले जो दो स्टेप है वो एक्सोथर्मिक है जिसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो आप याद रखना अच्छे से। हाँ, तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट क्या बना अपना, फाइनली यहाँ पे इसका प्रोडक्ट बना है CH3 CH2 CH2 Br। ठीक है, मतलब इस बार जो Br है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाके जुड़ा है जिसपे क्या है, ज्यादा हाइड्रोजन है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल या फिर खराश इफेक्ट या फिर परोक्साइड इफेक्ट या फिर परोक्साइड इफेक्ट। ठीक है, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, खराश इफेक्ट या तो फिर परोक्साइड इफेक्ट। हाँ तो बच्चों, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, खराश इफेक्ट या परोक्साइड इफेक्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा इसका स्टेटमेंट। तो इसका एक बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट होगा कि यदि अगर आप HBr का एडिशन परोक्साइड की प्रेजेंस में करोगे, यदि अगर आप HBr का एडिशन परोक्साइड की प्रेजेंस में करोगे तो जो Br होगा वो इस बार कौन से डबल बॉन्डेड कार्बन से जाके जुड़ेगा जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन रहेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, इफ एडिशन ऑफ HBr टेक्स प्लेस, इफ एडिशन ऑफ HBr टू अल्कीन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड then addition of bromine always takes place to that double bonded carbon which contains more number of hydrogen atoms। ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पे HBr का एडिशन करोगे अल्कीन के अंदर परोक्साइड की प्रेजेंस में, तो इस बार आपको जो Br है वो कौन से डबल बॉन्डेड कार्बन से जोड़ना है जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन रहेंगे। ठीक है, तो ये है बच्चों परोक्साइड इफेक्ट। इसका अपन एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देखना अच्छे से, एक एग्जाम्पल और आप देखना यहाँ पे, जैसे कि ये बनाया मैंने, ठीक है ना, ये बना दिया, यहाँ पे मैंने लगा दिया CH3। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया CH3। अब आपको यहाँ पे क्या जोड़ना है, HBr जोड़ना है, किसकी प्रेजेंस में जोड़ना है, H2O2 की प्रेजेंस में और हीट। ठीक है, यहाँ पे आपको HBr जोड़ना है और HBr किसकी प्रेजेंस में जोड़ना है, आपको H2O2 की प्रेजेंस में। H2O2 का मतलब क्या है, हाइड्रोजन परोक्साइड, मतलब परोक्साइड इफेक्ट यहाँ पे लगेगा। आगे बात समझ में, कौन सा इफेक्ट यहाँ पे लगेगा, परोक्साइड इफेक्ट, H2O2 की प्रेजेंस में आप जोड़ोगे ना, तो यहाँ पे परोक्साइड ले लिया आपने, तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा, परोक्साइड इफेक्ट। अब परोक्साइड इफेक्ट क्या होता है, तो आपको यहाँ पे Br का जो एडिशन है ना, Br का एडिशन वो इस बार उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे करना है जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन रहेंगे। तो आपके पास यहाँ पे ये दो डबल बॉन्डेड कार्बन है, अब इसपे एक भी हाइड्रोजन नहीं है और इसपे एक हाइड्रोजन है,
ठीक है। तो यहाँ पे बी आर इस बार कौन से वाले कार्बन पे जाके जुड़ेगा, इस पे जुड़ेगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा आपका प्रोडक्ट। आगे बात समझ में, ठीक है ना, हो गई बात क्लियर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं काफी अच्छा सा, देखना यहाँ पे, एक एमसीक्यू बता रहा हूं मैं, ये एमसीक्यू आप अच्छे से याद रखना, नीट वगैरह के हिसाब से ये एमसीक्यू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेई वगैरह के अंदर पूछा नहीं जाता शायद इतना सिंपल, फिर भी पूछ सकते हैं, ऐसे कोई बात भी नहीं है, मेंस के अंदर आ सकता है, ट्वेल्थ के अंदर पूछा जा सकता है, तो आप ये देखना अच्छे से, ठीक है। एडिशन ऑफ एचबीआर, एडिशन ऑफ एचबीआर टू अल्किन, एडिशन ऑफ एचबीआर टू अल्किन इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड इज ए टाइप ऑफ ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन सी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन एंड डी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपको HBr को जोड़ना है किसके अंदर, अल्किन के अंदर, और ये किसकी प्रेजेंस में जोड़ना है आपको, परोक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है। अब परोक्साइड की प्रेजेंस में जब हम जोड़ेंगे तो पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको बताया, तो मैकेनिज्म के दौरान कौन सी स्पीसीज बनी, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल या फ्री रेडिकल बनी, यहाँ पे हमने एडिशन किया वो भी फ्री रेडिकल का किया, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ना कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है बच्चों। ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। हाँ तो बच्चों, ठीक है, ये हो गया आपका पूरा का पूरा अच्छे से क्लियर। अब फाइनली यहाँ पे बस एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, और वो है कि HBr ही केवल और केवल परोक्साइड इफेक्ट क्यों शो करता है। अगर हम सेम रिएक्शन HCl या फिर HI के साथ करें, अगर हम यहाँ पे HBr की जगह किसको यूज करें, HCl को या फिर HI को, तो यहाँ पे आपको एंटी मार्कोनिकोफ रूल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, सुनना अच्छे से, ढंग से देखना आप लोग। अगर मान लो आपके सामने कोई ऐसी रिएक्शन आ जाए, कैसी रिएक्शन आ जाए, ऐसी, ठीक है ना, देखना, अगर आपके सामने ये वाली कंडीशन आ जाए जिसके अंदर, देखना अच्छे से, जैसे ये है, हाँ, तो जैसे ये देखो, ठीक है ना, ये साइक्लोहेक्सीन, और यहां पे अपन ने लगाया CH3, और इसमें अपन जोड़ रहे हैं HCl, और हमने यहां पे एरो पे लिखा हुआ है परोक्साइड, ठीक है, एरो पे लिखा हुआ है अपन ने परोक्साइड। अब अगर यहां पे Br होता, तो अभी मैंने आपको बताया था Br इस वाले कार्बन पे जाके जुड़ता जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है, यहां पे तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहां पे एक हाइड्रोजन है, और अगर यहाँ पे HBr होता तो Br इस वाले कार्बन पे आके जुड़ता, लेकिन यहाँ पे क्या है इस बार HCl, और आप अच्छे से याद रखना, इट डज नॉट शो परोक्साइड इफेक्ट। बच्चों HCl या फिर इसकी जगह पे अगर अपन HI भी लिखते थे तो ये सारे के सारे कभी भी परोक्साइड इफेक्ट को शो नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, तो जो मार्कोनिकोफ रूल वाला जो प्रोडक्ट है ना, मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग क्या था, कि ये जो Cl है ये उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जिसपे कम हाइड्रोजन होंगे, तो इस वाले कार्बन पे जाके जुड़ेगा, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट यही बनेगा किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल, ठीक है।
तो यार क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि यहाँ पे एच आई या फिर एच सी एल जो होता है वो परोक्साइड इफेक्ट को क्यों शो नहीं करता है, ठीक है ना। क्वेश्चन अपन यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि जो एच सी एल या तो फिर जो एच आई होता है वो क्यों परोक्साइड इफेक्ट को शो नहीं करता है, ठीक है। तो देखना अच्छे से, सबसे पहले तो वाई एच सी एल, वाई एच सी एल डज नॉट शो परोक्साइड इफेक्ट। सबसे पहले तो एच सी एल परोक्साइड इफेक्ट क्यों नहीं शो करता, ठीक है। तो सुनना अच्छे से, आंसर क्या दोगे इसका रीजन, तो ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ एच सी एल, ड्यू टू विच इट कैन नॉट बी ब्रेक बाय द एक्शन ऑफ आरओ फ्री रेडिकल। आपको पता हो तो अपने पहले स्टेप में आरओ फ्री रेडिकल बनाया था और वहां पे मैंने आपको ये वाली बात बोली थी कि ये जो आरओ फ्री रेडिकल है ये एचबीआर को तोड़ देगा आसानी से। वहां पे मैंने आपको लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उसका रीजन दिया था। अब HCl जो होता है, HCl की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होती है और ये जो आरओ फ्री रेडिकल जो होता है ना वो इसको तोड़ नहीं सकता, तो ये तो इसका रीजन हो गया। अब यहां पे आता है वाई एच आई डज नॉट शो परऑक्साइड इफेक्ट। एच आई क्यों नहीं शो करता, है ना यार। चलो ठीक है कि HCl का तो बॉन्ड मजबूत था, अब HI का तो बॉन्ड भी वीक होगा किसके कंपेयर में, HBr के कंपेयर में अगर अपन देखें तो HI का तो बॉन्ड तो काफी ज्यादा वीक होगा। आगे बात समझ में, तो देखो यहां पे सुनना, जैसे कि आरओ फ्री रेडिकल अगर आप इसकी HI के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये बॉन्ड वीक है, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो ये तो टूट जाएगा, ठीक है। जैसा कि वहां पे HBr के साथ हुआ था, ये टूट जाएगा, क्यों, क्योंकि काफी लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है इसकी। तो यहां पे क्या बन जाएगा, ROH और I फ्री रेडिकल, ठीक है। ये रिएक्शन तो काफी आसानी से हो जाएगी, लेकिन ये जो I फ्री रेडिकल है इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये हाईली स्टेबल है, ठीक है ना, ये हाईली स्टेबल है और ध्यान रखना इट रिक्वायर्स हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इट रिक्वायर्स हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा होती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप अल्कीन के अंदर आई फ्री रेडिकल को जोड़ना चाहते हो तो जो रिएक्शन यहां पे होगी वो क्या होगी, एंडोथर्मिक, जिसके लिए डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, हाईली पॉजिटिव, ठीक है। तो इसलिए ये भी नहीं होता, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि ये काफी हाईली स्टेबल है, इसकी रिएक्टिविटी काफी कम है, ठीक है ना, लेस रिएक्टिव, तो वो सारे के सारे फैक्टर इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो आप अच्छे से ध्यान रखना कि जो परोक्साइड इफेक्ट है वो केवल और केवल कौन शो कर पाता है, HBr ही शो कर पाता है और ये उसका रीजन है। हो गया क्लियर, ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। हाँ तो फाइनली बच्चों यहां पे अपन ने हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करना किससे सीखा है, बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अल्कीन, मतलब जो अल्कीन्स होते हैं अल्कीन्स के अंदर हाइड्रोजन हैलाइड को जोड़ के हेलो एल्केन को बनाना हमने सीख लिया। ये अपना पहला मेथड था, ठीक है। अब यहां पे दूसरा मेथड मैंने आपको एक और क्या बताया था, आप हेलो एल्केन का फॉर्मेशन एक तरीके से और कर सकते हो और वो तरीका क्या होता है, बाय द एडिशन ऑफ हेलोजन, और उस कंडीशन में किसका फॉर्मेशन होता है, डाई हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। मतलब एक ऐसे एल्केन का जिसके अंदर कितने हेलोजन जुड़ेंगे, दो हेलोजन जुड़ेंगे। तो अब अपन यहां पे टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं सुनना अच्छे से, फॉर्मेशन ऑफ डाई हेलो एल्केन्स
डाई हेलो एल्केन्स का मतलब क्या होगा? अब एल्केन के अंदर एक साथ दो हेलोजन जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक पूरा हेलोजन मॉलिक्यूल इसके अंदर जोड़ोगे। इस बार हाइड्रोजन हैलाइड तो आप जोड़ोगे नहीं, ठीक है? तो फॉर्मेशन ऑफ डाई हेलो एल्केन्स बाय एडिशन ऑफ हेलोजन मॉलिक्यूल by addition of halogen molecule to alkene, ठीक है? मतलब अपन यहां पे क्या करेंगे, जो अल्कीन होगा उस अल्कीन के अंदर हेलोजन मॉलिक्यूल जोड़ेंगे और हेलोजन मॉलिक्यूल जोड़ के उसके अंदर हम क्या बनाएंगे, डाई हेलो अल्केन बनाएंगे, ठीक है? तो सुनना अच्छे से, सबसे पहले तो जनरल रिएक्शन क्या बनेगी यहां पे, ठीक है? जनरल रिएक्शन तो सुनना, एक अल्कीन लेंगे अपन और अल्कीन की रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, हेलोजन के साथ करवाएंगे, ठीक है? अल्कीन की जो रिएक्शन है वो हम किसके साथ करवाएंगे, हेलोजन के साथ, और वो रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, CCl4 की प्रेजेंस में, ठीक है? यहां पे अपन अल्कीन जो है अल्कीन की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, हेलोजन के साथ, और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे हम, CCl4 की प्रेजेंस में। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा यहां पे, डाई हेलो अल्केन का, ठीक है? यहां पे फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, डाई हेलो अल्केन का। आ गई बात समझ में, ठीक है? दूसरी बात, आप हेलोजन का एडिशन करोगे यहां पे इस बार, ठीक है ना? यहां पे आप एडिशन किसका करोगे, हेलोजन का। तो दूसरी बात आपको यहां पे याद होनी चाहिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन्स। हेलोजन्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, तो ये आप लोगों को बता चुका हूं मैं पहले, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमाइन एंड देन आयोडीन। ये हेलोजन्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ठीक है? हो गई बात क्लियर? तो यहां पे अपन क्या करेंगे, जो अल्कीन होगा उस अल्कीन के अंदर हेलोजन का एडिशन करेंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे इस बार, डाई हेलो अल्केन का, ठीक है ना? ये वाली बात आप अच्छे से याद रखना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये भी एक तरह की कौन सी रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर पहला अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल करेगा, ठीक है? तो ध्यान रखना, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये भी एक तरह की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। हो गई बात क्लियर, ठीक है? है ना? ये वाली बात आप अच्छे से याद रखना। अब देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करें अपन, ठीक है? सुनना, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो अपन यहां पे ले रहे हैं अल्कीन, तो ये हमने लिया एक जनरल अल्कीन का मॉलिक्यूल, ठीक है? और उसके अंदर हम क्या जोड़ेंगे, हेलोजन जोड़ेंगे, किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा देखना अच्छे से, प्रोडक्ट क्या बनेगा, XX, ठीक है? यहां पे अपन हर एक कार्बन के ऊपर क्या जोड़ देंगे, हेलोजन का मॉलिक्यूल जोड़ देंगे। हर एक कार्बन के ऊपर अपन ने हेलोजन का मॉलिक्यूल जोड़ दिया, ठीक है ना? अब देखना यहां पे, इस बात को समझना पहले, तो सुनना, देखो मैंने यहां पे किया क्या है। आप लोगों को मैंने बताया था कि जो अल्कीन जो होता है, ठीक है, आप लोगों को मैंने सिखाया था कि जो अल्कीन जो होता है ये एक इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होता है, इलेक्ट्रॉन रिच, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। बच्चों ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिच है, है ना? यहां पे जो अल्कीन होता है वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। अब इसके इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से क्या होगा, सुनना, इसके इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से क्या होगा कि ये जो हेलोजन का मॉलिक्यूल है, ये हेलोजन का मॉलिक्यूल पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव में क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है? ये हेलोजन का जो मॉलिक्यूल होगा ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रोफाइल के अंदर एंड न्यूक्लियोफाइल के अंदर ब्रेक हो जाएगा, और पहला अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है? जो पहला अटैक करेगा वो कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल। हो गई बात क्लियर, ठीक है?
तो यहाँ पे पहला अटैक तो इलेक्ट्रोफाइल वाला हेलोजन करेगा और दूसरा अटैक यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल वाला हेलोजन करेगा, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने दोनों के दोनों हेलोजन जोड़ दिया। अब एक खास बात आप लोगों ने देखी होगी, यहाँ पे एक एक्स मैंने ऊपर लगाया और एक एक्स नीचे लगाया, मतलब एक हेलोजन को मैंने ऊपर जोड़ा और एक हेलोजन को मैंने नीचे जोड़ा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या ये करेक्ट है? नहीं, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे एक हेलोजन ऊपर जुड़ा और एक हेलोजन नीचे जुड़ा, मतलब दोनों के दोनों हेलोजन अपोजिट डायरेक्शन में जुड़े। इसको कहा जाता है एंटी एडिशन। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? एंटी एडिशन। अगर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जुड़ते तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिन एडिशन। लेकिन हेलोजन के केस में सिन एडिशन होता नहीं है। यहाँ पे कौन सा एडिशन होता है? एंटी एडिशन, मतलब एक हेलोजन ऊपर जुड़ेगा तो एक हेलोजन नीचे जुड़ेगा। ये अभी मैं आपको मैकेनिज्म में समझाऊंगा ऐसा क्यों हुआ, बाकी आपको इतना आ गया होगा समझ में। ठीक है ना, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। सबसे पहले तो आप अच्छे से याद रखना, यहाँ पे अपन किसका फॉर्मेशन करेंगे? हेलो अल्केन का फॉर्मेशन करेंगे। किससे? अल्कीन से। लेकिन इस बार हम किसका एडिशन करेंगे? हेलोजन का एडिशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सीसीएल फोर। अब एक बात अच्छे से याद रखना, यहां पे आप हेलोजन मॉलिक्यूल का एडिशन करोगे तो हेलोजन मॉलिक्यूल का एडिशन करने के बाद यहाँ पे हेलो अल्केन नहीं बनेगा, यहाँ पे डाई हेलो अल्केन बनेगा। मतलब एक साथ कितने हेलोजन जुड़ेंगे? दो हेलोजन जुड़ेंगे। हो गई बात क्लियर? है ना, अपन हेलोजन मॉलिक्यूल का एडिशन कर रहे हैं तो हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर ध्यान में होना चाहिए, यह भी याद रखना। अब सबसे ज्यादा जरूरी बात, ये बात ध्यान रखना कि जब आप हेलोजन मॉलिक्यूल का एडिशन करोगे अल्कीन के अंदर तो वो भी एक तरह की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होगी। इसका मतलब क्या होगा? जब आप अल्कीन मॉलिक्यूल के अंदर हेलोजन को जोड़ोगे तो जो ध्यान रखना कि जो पहला जो अटैक होगा ना, वो पहला अटैक किसका होगा? इलेक्ट्रोफाइल का ही होगा। एडिशन कर दोगे पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का और जो पहला अटैक होगा वो किसका होगा? एक इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे ये रिएक्शन को हम समझे कैसे? तो हमने यहाँ पे एक जनरल अल्कीन का मॉलिक्यूल लिया। अब मैंने आपको बताया था कि जो अल्कीन्स होते हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने की वजह से, मतलब उनके पास पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, मतलब न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ठीक है, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के होने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, तो इसके ऊपर जो पहला अटैक करेगा वो कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल ही करेगा। तो देखो, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हेलोजन का मॉलिक्यूल है ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के अंदर ब्रेक हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के अंदर क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के अंदर ब्रेक होने के बाद अब ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो पहला अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल करेगा, जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? दोनों के दोनों हेलोजन मॉलिक्यूल इस पे जुड़ेंगे, पहला इलेक्ट्रोफाइल और बाद में न्यूक्लियोफाइल, दोनों के दोनों हेलोजन मॉलिक्यूल इस पे जुड़ेंगे। अब सबसे ज्यादा जरूरी बात आप ये याद रखना, जो कि मैं अभी आपको मैकेनिज्म में समझाऊंगा, कि यहाँ पे दोनों के दोनों हेलोजन मॉलिक्यूल का जो एडिशन हुआ है वो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है, मतलब इसको कौन सा एडिशन बोलेंगे अपन? एंटी एडिशन, है ना। अगर यहाँ पे दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जुड़ते तो अपन उसे कौन सा एडिशन बोलते हैं? सिन एडिशन। लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जुड़े हैं, मतलब एक ऊपर और एक नीचे, तो ये कौन सा एडिशन है? यहाँ पे एंटी एडिशन। अब यहाँ पे ये हुआ क्या, है ना, यहाँ पे ये हुआ कैसे, क्यों हुआ? तो ये वाली सारी की सारी बातें मैं आपको अभी समझाऊंगा मैकेनिज्म में। एक फाइनल बात और सुन लो, ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब ये है, ये भी अभी मैं आपको मैकेनिज्म में क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इसका मतलब पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन स्पीसीज बनेगी, मतलब जो इंटरमीडिएट यहाँ पे बनेगा वो क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो बच्चों, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। अब इसमें सबसे मेन बात अपने को क्या समझनी है कि ये एंटी एडिशन क्या है, ये हुआ क्यों, हेलोजन अपोजिट डायरेक्शन में ही क्यों जुड़ते हैं। ठीक है, इसका मैकेनिज्म समझेंगे अपन यहाँ पे, तो सीखना इसका मैकेनिज्म अच्छे से। और अभी एक बात मैंने आपसे बोली थी कि ये भी एक तरह की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता ही होगा, और अगर यहाँ पे भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता होगा तो शायद रीअरेंजमेंट यहाँ पे भी पॉसिबल होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, तो वो सारी की सारी बातें अपन यहाँ पे समझेंगे। देखना अच्छे से, एक रिएक्शन ले रहा हूं मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, रिएक्शन देखना अच्छे से। CH3 बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, CH3
बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, इसके अंदर हम यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल का एडिशन करेंगे, ठीक है ना। क्लोरीन मॉलिक्यूल का एडिशन करेंगे किसकी प्रेजेंस में, सीसीएल फोर की प्रेजेंस में। यहाँ पे अपन क्लोरीन मॉलिक्यूल को जोड़ेंगे, क्लोरीन मॉलिक्यूल को अपन जोड़ेंगे यहाँ पे किसकी प्रेजेंस में, सीसीएल फोर की प्रेजेंस में। प्रोडक्ट क्या बनेगा ये हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा ये हमें यहाँ पे बताना है, तो देखना यहाँ पे इसका मैकेनिज्म अच्छे से। ठीक है ना, यहाँ पे इसका मैकेनिज्म समझना। देखो सबसे पहले तो सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, सी एच थ्री बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, इसके अंदर आपको सी एल बॉन्ड सी एल जोड़ना है, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या जोड़ना है, सी एल बॉन्ड सी एल। तो देखो यहां पे सुनना ढंग से, मैंने आपको क्या बताया कि यह एक इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, और इसके इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से ये पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव के अंदर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा इन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और ये खुद एक इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है ना, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये क्या हो गया इलेक्ट्रॉन रिच, और ये है यहां पे इलेक्ट्रोफाइल और ये है न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पे जो पहला अटैक करेगा वो कौन करेगा, यहां पे पहला अटैक एक इलेक्ट्रोफाइल करेगा, ठीक है। यहां पे जो पहला अटैक करेगा वो कौन करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल करेगा। तो सुनना अच्छे से, ढंग से देखना, ये जो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है ये मैं किसी भी एक कार्बन पे शिफ्ट कर दूं, ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है ये मैं किसी भी एक कार्बन पे शिफ्ट कर दूं, तो मान लो कि मैंने ये इस कार्बन पे शिफ्ट किया, है ना। ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड मैंने इस वाले कार्बन पे शिफ्ट कर दिया, तो यहां पे क्या बन जाएगा, सी एच थ्री सी एच इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, और इस वाले सी एच टू पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, तो यहां पे इस वाले कार्बन पे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और जो पहला सीएल है वो इस वाले कार्बन पे जाके जुड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे बनेगा क्या, सी एच थ्री बॉन्ड सी एच पॉजिटिव बॉन्ड सी एच टू सीएल, ठीक है। ये वाला जो सी एच टू नेगेटिव है इसके ऊपर मैंने क्या जोड़ दिया, सीएल जोड़ दिया, ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये मैंने इसके ऊपर जोड़ दिया, तो ये वाली कंडीशन आ गई, आगे बात समझ में, ठीक है ना। ये वाली कंडीशन यहां पे क्रिएट हो गई, तो ये क्या बना आपका, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, ठीक है। ये क्या बन गया आपका, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। लेकिन अब देखना यहां पे सबसे मेन बात क्या होगी, इतना आ गया आप लोगों को समझ में, ठीक है ना। यहां पे सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रॉन रिच था, इसके इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव में हमने ब्रेक कर दिया, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में अपन ने ब्रेक कर दिया। अब यहां पे क्या होगा, पहला अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल करेगा। तो जैसे इलेक्ट्रोफाइल यहां पे अटैक करता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है, और उस कार्बन पे जाके ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर वाले कार्बन पे शिफ्ट कर दिया, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल वाला जो क्लोरीन है ये मैंने इस पे जोड़ दिया, और इस दूसरे वाले कार्बन के ऊपर क्या लग जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां पे किसका फॉर्मेशन हो गया, कार्बोकेटायन का। तो यहां पे ये जो रिएक्शन है इसमें भी कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बना। तो बच्चों यहां पे भी रीअरेंजमेंट होना चाहिए जो मैंने आप लोगों को बताया था। अभी तो खैर यहां पे हमें रीअरेंजमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कायदे से देखा जाए तो कार्बोकेटायन बना है तो रीअरेंजमेंट होना चाहिए, लेकिन यहां पे रीअरेंजमेंट हो नहीं पाता। आगे बात समझ में, अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करोगे किसका, हैलोजन मॉलिक्यूल का, अगर आप हैलोजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करोगे तो कभी भी याद रखना कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। कार्बोकेटायन बनेगा लेकिन कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, सबसे मेन बात क्या है यहां पे, ये हमें सीखना है, ठीक है। तो ढंग से देखना, यहां पे कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट तो बना, लेकिन यहां पे मेन इंटरमीडिएट अब कार्बोकेटायन नहीं रहेगा। देखो क्यों, सुनना अच्छे से, इसका रीजन समझना। ये दोनों के दोनों हैलोजन है, हैलोजन की वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेवन, है ना, सात इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहां पे काम आ चुका है, बाकी छह इलेक्ट्रॉन यहां पे तीन लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, इधर भी तीन लोन पेयर और इधर भी तीन लोन पेयर, ठीक है, तीन तीन लोन पेयर होंगे। तो बच्चों यहां पे ये जो क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन क्या है एक्चुअली, इसके ऊपर यहां पे तीन लोन पेयर मौजूद है, ठीक है।
ये जो क्लोरीन है यहाँ पे, इसके पास यहाँ पे तीन लोन पेयर मौजूद है और इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। आगे बात समझ में, इस वाले कार्बन पे तो पॉजिटिव चार्ज है और इधर बगल वाला जो कार्बन है उससे हैलोजन जुड़ा हुआ है जो कि तीन लोन पेयर लेके बैठा हुआ है, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट इसकी हेल्प कर देगा, है ना। इस बेचारे की गरीबी को देख के यहाँ पे कि भैया ये कार्बन तो काफी ज्यादा गरीब है, पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है इसके ऊपर, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट अपनी मित्रता निभाएगा और डायरेक्ट उसकी इलेक्ट्रॉन की जो गरीबी है उसे क्या कर देगा, दूर कर देगा। कैसे दूर कर देगा, तो बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। यहाँ पे देखो, इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं बॉन्ड बनाने के लिए और इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए स्टेबल होने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये वाला जो क्लोरीन है ये डायरेक्ट यहाँ पे अपने लोन पेयर की हेल्प से कौन सा बॉन्ड बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। कौन सा बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे याद रखना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये सारा का सारा कार्बोकेटाइन बनते से ही होगा, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे अब कंडीशन आपको क्या दिखाई देगी, समझना अच्छे से, यहाँ पे कंडीशन आपको दिखाई देगी ये CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, ठीक है। इससे ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है यहाँ पे, है ना, इससे क्या जुड़ा हुआ है, ये क्लोरीन, और इस क्लोरीन ने यहाँ पे इसके साथ कौन सा बॉन्ड बना लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, ठीक है। इसने यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस क्लोरीन पे आ जाएगा क्योंकि इसने पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर दिया अपनी तरफ से, है ना। और अभी भी इसके ऊपर दो लोन पेयर बाकी है, हो गई बात क्लियर। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट ये नहीं बनेगा, इंटरमीडिएट यहाँ पे ये बनेगा, और यहाँ पे इस इंटरमीडिएट का नाम क्या है सुनना अच्छे से, ये आपको यहाँ पे एक तरह की साइकिल दिखाई देगी, है ना। तो इसका नाम है साइक्लिक हेलोनियम आयन, इसका नाम क्या है यहाँ पे, साइक्लिक हेलोनियम आयन, ठीक है। इसका नाम है यहाँ पे साइक्लिक हेलोनियम आयन, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये साइकिल बनने की वजह से, ठीक है, यहाँ पे ये साइकिल बन जाएगी, तो इस साइकिल के बनने की वजह से यहाँ पे अब कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग क्या हो जाएगी, इम्पॉसिबल। मतलब यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बना था ना, तो उस कार्बोकेटाइन ने, उस कार्बन ने डायरेक्ट अपने बगल वाले हेलोजन के साथ क्या बना लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, और डायरेक्ट अपने बगल वाले हेलोजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, तो अब कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि उसने तो सीधा बॉन्ड बना लिया। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे इस वजह से कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग कभी भी पॉसिबल नहीं होती, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब दूसरा क्लोरीन की बात आती है, है ना। अब यहाँ पे दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल है, सॉरी क्लोरीन मॉलिक्यूल नहीं, यहाँ पे दूसरा क्लोरीन आयन है जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, है ना, जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। किस पे अटैक करेगा वो, तो इसी कार्बन पे अटैक करेगा जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, है ना। अभी तो फिलहाल इसने यहाँ पे एक साइक्लिक कंपाउंड बना लिया, लेकिन वो अटैक इसी वाले कार्बन पे करेगा। अब बोलो, उसको अटैक ऊपर से ही करना पड़ेगा क्योंकि नीचे से तो क्लोरीन अटैच है ऑलरेडी, इसने साइकिल बनाई हुई है, हमें यहाँ पे क्लोरीन को वापस स्टेबल बनाना है, तो यहाँ पे अभी अटैक कहां से करेगा, ऊपर की तरफ से, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH, इस पे ऊपर से आके ये Cl जुड़ेगा, ठीक है, CH2 और ये Cl, हो गई बात क्लियर। तो यहाँ पे दोनों के दोनों जो क्लोरीन एटम्स है उनका जो एडिशन हुआ वो कौन सा एडिशन हुआ, एंटी एडिशन, अपोजिट डायरेक्शन में आके जुड़े। वो अपोजिट डायरेक्शन में क्यों जुड़ते हैं तो वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है लेकिन रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता क्योंकि यहाँ पे साइकिल बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा आपका, क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3 बॉन्ड CH, एक CL ऊपर बॉन्ड CH2 और एक CL नीचे, हो गई बात क्लियर। स्क्रीनशॉट लो आप इसका। हाँ तो बच्चों, हो गया ये क्लियर, है ना। तो सबसे ज्यादा जरूरी बात यहाँ पे ये रखना, अभी मैं एक एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आप लोगों को, न्यूमेरिकल तो यहाँ पे होते नहीं है, है ना। तो एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो उसके अंदर ये वाला कंसेप्ट आप अच्छे से याद रखना कि यहाँ पे भी कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है लेकिन यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं होती, कारण मैंने आपको बता दिया। और एक अच्छे से दूसरी बात ये याद रखना कि यहाँ पे एंटी एडिशन है,
ठीक है ना। क्वेश्चन देखना, ये वाला एग्जांपल देखना आप लोग, ठीक है, सुनना अच्छे से। जैसे कि ये वाला एग्जांपल लिया अपन ने, ये है क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो आपको पता हो तो ये मैंने यहां पे भी करवाया था इससे पहले, जब अपन ने एल्कीन के अंदर हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन किया था तो वहां पे अपन ने देखा था, सुनना अच्छे से, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो यहां पे प्राइमरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन और ये है क्वार्टरनरी कार्बन। प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन सकता है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन सकता है, और बाय मेथड शिफ्टिंग इस CH3 को उठा के मैं यहां पे डाल दूं तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन भी बन सकता है, लेकिन यहां पे हमें शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था अभी कि अगर आप हेलोजन का एडिशन करोगे तो यहां पे कभी भी कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा, यहां पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा, लेकिन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से यहां पे टर्शियरी कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, ठीक है। यहां पे देखना अच्छे से, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल Cl पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इधर डाले या फिर इधर डाले, इधर डाले, क्योंकि अगर इधर डालेंगे तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो यहां पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इस पे शिफ्ट होगा और पहला क्लोरीन यहां पे जुड़ेगा, ठीक है, पहला क्लोरीन यहां पे जुड़ जाएगा। अब पहला क्लोरीन यहां पे जुड़ने के बाद कंडीशन क्या आएगी, सुनना अच्छे से, पहला क्लोरीन यहां पे जुड़ने के बाद कंडीशन आएगी CH3 बॉन्ड CH2 इस पे जुड़ जाएगा Cl, और यहां पे इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन उसी वक्त ये जो क्लोरीन होगा ये अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर इसे दे देगा और यहां पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहां पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों, साइक्लिक हेलोनियम आयन का, ठीक है, यहां पे साइक्लिक हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से अब कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग यहां पे पॉसिबल नहीं है। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से टर्शियरी कार्बोकेटाइन नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि यहां पे मिथाइड ग्रुप को शिफ्ट करना पड़ेगा। अब कहां से शिफ्ट करोगे मिथाइड ग्रुप को, जगह का है नहीं, है ना, बस कंप्लीट काम हो गई बात क्लियर। और अगर आप देखो तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, ये स्टेबल है, 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, तो यहां पे मिथाइड को ये लेगा नहीं, ठीक है। तो ये वाली बात आप अच्छे से याद रखना। अब यहां पे दूसरा Cl- जोड़ना है अपने को, तो दूसरे Cl- का अटैक कहां पे होगा, तो वो इसी कार्बन पे होगा और अपोजिट साइड से अटैक होगा उसका, तो फाइनली आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा यहां पे, तो फाइनली आपका जो प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा CH3 बॉन्ड C, ऊपर CH3, नीचे CH3 बॉन्ड CH, इस पे जुड़ जाएगा Cl, बॉन्ड CH2 इस पे जुड़ जाएगा Cl। हो गई बात क्लियर, तो ये आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया एग्जांपल नंबर 2। एक एग्जांपल और लेते हैं, अब ये वाला एग्जांपल अच्छे से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ब्रोमाइन वाटर टेस्ट उसका एग्जांपल है ये, ठीक है, ये वाली बात आप अच्छे से याद रखना। देखो इधर सुनना, जैसे कि ये लिया अपन ने CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और इसके अंदर हम किसका एडिशन कर रहे हैं, Br2 का, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। अब ये क्या है, ब्रोमाइन, और ब्रोमाइन का कलर आपको पता होगा रेड ब्राउन होता है, ठीक है, ब्रोमाइन का कलर क्या होता है, रेड ब्राउन। हो गई बात क्लियर, ब्रोमाइन का जो कलर है वो रेड ब्राउन है, ठीक है ना, रेड ब्राउन कलर। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो CH3 बॉन्ड CH, ऊपर Br, बॉन्ड CH2, इसमें नीचे Br, ठीक है। अब देखो इधर, ये तो है अनसेचुरेटेड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसेचुरेटेड होते हैं, और ये है सेचुरेटेड, ठीक है ना, ये है सेचुरेटेड, और साथ ही में ये कलरलेस है। अब देखो यहां पे,
आपने यहाँ पे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर रेड ब्राउन कलर का ब्रोमाइन मिलाया, आपने यहाँ पे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर रेड ब्राउन कलर का क्या मिलाया, ब्रोमाइन मिलाया, और जो प्रोडक्ट बना वो कलरलेस बना। इसका मतलब यह है कि जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसके साथ जो ब्रोमाइन मॉलिक्यूल है उसने अपना कलर क्या कर दिया, लॉस कर दिया। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो ब्रोमाइन है, ब्रोमाइन वाटर लूज इट्स रेड ब्राउन कलर विद अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना अच्छे से। जो ब्रोमाइन वाटर जो होता है, ब्रोमाइन वाटर जब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन परफॉर्म करेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कलरलेस बनेगा। इसका मतलब यह है कि जो ब्रोमाइन वाटर जो होता है वो हमेशा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ अपने रेड ब्राउन कलर को क्या कर देता है, लॉस कर देता है, मतलब खत्म कर लेता है, उसका जो कलर होता है वो गायब हो जाता है। तो इसे अपन बोलते हैं टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। मतलब अगर आपसे कभी आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए कि ये जो हाइड्रोकार्बन आपको दिया गया है ये अनसेचुरेटेड है या नहीं है, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ये हाइड्रोकार्बन जो आपको दिया गया है ये अनसेचुरेटेड है या नहीं, कैसे पता लगाओगे, तो आप ब्रोमाइन वाटर मिला दो उसके अंदर, ब्रोमाइन वाटर का कलर क्या होगा, रेड ब्राउन। अब जैसे ही आप उसमें ब्रोमाइन वाटर मिलाओगे अगर उसका रेड ब्राउन कलर पूरा गायब हो गया तो अनसेचुरेटेड है। ठीक है, हो गया बच्चों क्लियर? ठीक है ना, तो ये ब्रोमाइन वाटर टेस्ट कहलाता है, ये आप अच्छे से याद रखना। ठीक है ना, ब्रोमाइन वाटर टेस्ट जो कि क्या है, टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। ठीक है, और आज का लास्ट पॉइंट आप इसके अंदर याद रखना अच्छे से, है ना, इसे मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, देखना आज का लास्ट पॉइंट, बेंजीन का मॉलिक्यूल लिया मैंने, बेंजीन। ठीक है, अब बेंजीन को मैं क्या लिख सकता हूं, हाईली अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बच्चों तीन तीन डबल बॉन्ड है ना, कितने, एक भी नहीं, दो भी नहीं, तीन तीन डबल बॉन्ड है, तो हाईली अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 क्या होगा, नो रिएक्शन। ठीक है ना, याद रखना, Cl2 जोड़ दो, नो रिएक्शन, HBr जोड़ दो, नो रिएक्शन। मतलब बेंजीन डज नॉट शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। व्हाई? Because it is stabilized by cyclic resonance। याद रखना, इसके अंदर cyclic resonance होता है, मतलब ये जो डबल बॉन्ड है ये एक जगह पे स्टेबल नहीं है, ये लगातार घूम रहे, तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कभी भी पॉसिबल नहीं होता। अगर ये एक ही जगह पे होते लोकेटेड तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पॉसिबल था, लेकिन ये एक ही जगह पे लोकेटेड नहीं है, ये लगातार घूमते हैं, है ना, जो पाई इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है यहाँ पे वो लगातार घूमता रहता है, लगातार डीलोकलाइज होता रहता है, बिल्कुल एक फिक्स जगह पे लोकेटेड नहीं है, तो यहाँ पे इसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कभी भी पॉसिबल नहीं होता। ये काफी इंपॉर्टेंट रीजन है, अच्छे से याद रखना आप लोग। ठीक है, तो ये हो गए बच्चों अपने फाइनली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कंप्लीट, मतलब फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन्स फ्रॉम अल्किन्स कंप्लीट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लेक्चर पे मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर अपना लास्ट लेक्चर रहेगा फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स का, मतलब हेलो अल्केन्स का जो फॉर्मेशन रिएक्शन है वो हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम चलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, तो अगला जो लेक्चर रहेगा उसमें हम फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन्स पढ़ेंगे फ्रॉम एल्कोहल्स एंड फ्रॉम अदर हेलो अल्केन्स, और वो हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन्स का। ठीक है, और इस पे अपन कुछ क्वेश्चन भी करेंगे इन टॉपिक के, तो आई होप आपको आज का लेक्चर काफी अच्छे से समझ में आया होगा।
तो आप इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा। और अगर आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय।